नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, अवस्थी क्रिकेट स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज माउंट मौंगनुई में खेला गया है। सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था, उस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। ऐसे में दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेंगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच में भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को खेलने का मौका नहीं मिला है। 150 किमी प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी करने वाले उमरान मलिक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार मौका देने की बात हो रही है और फैंस इस मैच में उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उमरान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है। IPL के जरिए संजू सैमसन ने अपनी अलग पहचान बनाई है और उनके फैंस यह मैच देखने के लिए मैदान में भी पहुंचे थे, लेकिन संजू को टीम में जगह नहीं मिलने से उन्हें निराशा होगी। तो चलिए बात करते हैं भारत की तरफ से कौन पारी को स्टार किया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में भारत के लिए ईशान किशन और ऋषभ पंत ने पारी की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने पहला ओवर किया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की थी। भारत के लिए ऋषभ पंत और ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज इस मैच में अच्छी लय में नहीं है। इस मैच में ईशान किशन को अहम जीवनदान मिला है। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान ने ऑफसाइड पर शॉट खेलकर रन भागने की कोशिश की, लेकिन पंत ने मना कर दिया। हालांकि तब तक किशन काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन न्यूजीलैंड के फील्डर स्टंप पर निशाना नहीं लगा सके और किशन को अहम जीवनदान मिल गया। 36 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा है। ऋषभ पंत 13 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इस मैच में वह अच्छी लय में नहीं दिख रहे थे। इस छोटी सी पारी के दौरान वह लगातार टाइमिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे। ईशान किशन 31 गेंद पर 36 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। ईश सोरी की गेंद पर टिम साउदी ने उनका कैच पकड़ा। सोरी भारत के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 21 विकेट भारत के खिलाफ लिए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन की बराबरी की है, जिन्होंने 21 विकेट लिए हैं। 108 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा था। श्रेयस अय्यर इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह हिट विकेट आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंद में 13 रन बनाए। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा है। सूर्य कुमार यादव 51 गेंद में 111 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए। उनके शतक के चलते भारत ने 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 3 और लोकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। ईश सोरी को 1 विकेट मिला। 192 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने बेहद खराब शुरुआत की थी। विस्फोटक फिन एलिंग खाता खोले बिना आउट हो चुके थे। भुवनेश्वर कुमार ने मैच की दूसरी गेंद पर उन्हें अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया। 56 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा था। वाशिंगटन सुंदर ने डेवन कॉनवे को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई थी। 108 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा था। श्रेयस अय्यर इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह हिट विकेट आउट हो गए। उन्होंने 9 गेंद में 13 रन बनाए। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा है। सूर्य कुमार यादव 51 गेंद में 111 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए। उनके शतक के चलते भारत ने 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 3 और लोकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। ईश सोरी को 1 विकेट मिला। 192 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने बेहद खराब शुरुआत की थी। विस्फोटक फिन एलिंग खाता खोले बिना आउट हो चुके थे। भुवनेश्वर कुमार ने मैच की दूसरी गेंद पर उन्हें अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया। 56 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिरा था। वाशिंगटन सुंदर ने डेवन कॉनवे को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई थी। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला विकेट पारी की दूसरी गेंद पर ही गिर गया। फिन एलिंग खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद कॉनवे और विलियमसन ने 56 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन सुंदर ने कॉनवे को आउट कर कीवी टीम को दबाव में ला दिया। अगले ही ओवर में चहल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई। इसके बाद कीवी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और अंत में 18.5 ओवर में 126 रन पर सिमट गई। कप्तान विलियमसन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और कॉनवे ने 25 रन की पारी खेली। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार और सुंदर को 1-1 विकेट मिला।
अर्शदीप एकमात्र भारतीय गेंदबाज रहे जिसे विकेट नहीं मिला।